Good morning, everyone. Continuing with our next adjustment है हमारी, that is कि जब आप capital expenditure को treat कर लेते हो by mistake revenue expenditure, तो हम क्या adjustment करेंगे उसे rectify करने के लिए. कई बार जैसे जो capital expenditure है, for example आपकी fixed asset है, उसको जब तक वो workable condition में नहीं आ जाती, तो उसके ऊपर जो भी आप expenditure कर रहे हैं, चाहे उसे परचेज करने का एक्सपेंडिचर है या उसे उस एसेट को वर्किंग प्लेस पे लाने तक का एक्सपेंडिचर है, इसके एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, या आपने फिक्स्ड एसेट को रिन्यू करवाया है उसका, या एक्सटेंशन एक्सपेंसेस उसके ऊपर इंकर करे हैं, या आपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस के, तो ये जो आपके एक्सपेंडिचर हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, अगर उसे आपने बाय मिस्टेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वेजेस थे जो आपने दिए, वो वेजेस आपने दिए किस चीज़ के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, लेकिन आपने उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लिया नॉर्मल वेजेस में, जबकि वो वेजेस इंक्लूड किस में होने चाहिए थे, इन द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो वेजेस में हमने गलती से इंक्लूड कर लिया है, वेजेस में से हमें उसे डिडक्ट करना पड़ेगा. मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आपने वेजेस दिखाए हुए हैं, उसमें से हम इस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे, और जो मशीनरी आपने शो की हुई है एसेट साइड में बैलेंस शीट के, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे गुड्स परचेज की आपने 10,000 की फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ बिजनेस इज एंटर्ड इन द परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट में हम सिर्फ गुड्स को एंटर करते हैं, जबकि ये जो गुड्स आपने परचेज की हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए परचेज की है, मतलब फिक्स्ड एसेट के लिए आपने परचेज की है. तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परचेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे शो कर रखे हैं, उसमें से इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे, और जो बिल्डिंग्स हमारा आइटम शो कर रहे हैं आप एसेट साइड में बैलेंस शीट में, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्लूड 7,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ साइकिल शेड फॉर बिजनेस. तो अब ये हमने साइकिल शेड फॉर बिजनेस जो है हमारी एसेट है, लेकिन उस पर जो आपने खर्चा किया उसे आपने रिपेयर्स में इंक्लूड कर लिया, तो जो रिपेयर्स है हमने कहाँ शो किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से हमने जो रिपेयर शो किए हैं वहाँ पे, वहाँ से हम 7,000 को माइनस कर देंगे, और जो हमारी बिल्डिंग शो हो रही है एसेट साइड में बैलेंस शीट के, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे. अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जो डेप्रिशिएशन आप कैलकुलेट करेंगे एसेट पर, वो किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा इंक्रीज्ड वैल्यू पे, जो इन रेक्टिफिकेशन के बाद आपकी वैल्यू आई है. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद जो आपकी वैल्यू आई है, उसके ऊपर इंक्रीज्ड वैल्यू के ऊपर आप डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे एसेट्स के ऊपर. नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज़ गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. आपने गुड्स जो है वो सोल्ड कर दी हैं, डिस्पैच भी कर दी हैं, लेकिन आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए. रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर देंगे हम, क्या एंट्री बनेगी, जो सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में शो हो रही है वहाँ पर हम उसे क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे सेल्स में, और दूसरा जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने डेब्टर्स शो किए हैं, डेब्टर्स में हम उसे ऐड कर देंगे. देन डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कई बार जो बिल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल हैं आपके, मैच्योर नहीं हुए हैं और ड्यू डेट पर, और वो डिसऑनर हो गए हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे जो डेप्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बिल डिसऑनर हो गया, वो डेप्टर्स ने जो दिया था वो बिल डिसऑनर हो गया, तो डेप्टर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेप्टर्स में हम उन्हें ऐड कर देंगे, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल हमारे कम हो गए हैं, तो जो बिल्स रिसीवेबल हैं उसमें से हम उसे लेस कर देंगे. नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. कई बार जो गुड्स हैं आप इस कंडीशन पर कस्टमर्स को दे देते हो, क्योंकि उन्हें वो पसंद है, कि अगर उन्हें पसंद आया तो वो उसे रख लें, तब उन्हें हम सेल्स मानेंगे, और अगर उन्होंने उसे नहीं रखा तो वो उसे वापस कर सकते हैं. तो उस केस में जो सेल्स हैं उसे तब तक हम सेल्स, एक्चुअल सेल्स नहीं मानेंगे, जब तक जो कस्टमर है फाइनल डिसीजन हमें नहीं दे देता कि उसने गुड्स को रखना है.
तो उस केस में हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जो सेल्स हमारी गिवन है क्रेडिट साइड पर ट्रेडिंग अकाउंट में, उसे हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे उतने अमाउंट से सेल्स वैल्यू के जितने की गुड्स हमने उन्हें दी हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट वैल्यू से। और दूसरा जो इफेक्ट इसका जाएगा, दैट इज़ जो बैलेंस शीट है, जो डेप्टर्स हैं हमारे डिक्रीज हो जाएंगे सेल्स वैल्यू से एसेट साइड पर, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके साथ ये जो चैप्टर है आपका, इसकी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, चैप्टर नंबर 8, उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।